राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से केवल 190 वर्ष का इतिहास अभी मैं आपके सामने ला रहा हूं। 1857 से 1947 नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। नेताजी का नाम इसलिए लिया कि मैं उन लोगों का इतिहास आपके सामने ला रहा हूं जिन्होंने अंग्रेज की दुष्ट राक्षस पाश्विक क्रूर सत्ताशाही को हमारे यहाँ के नौजवानों ने, युवक युवतियों ने, बाल बालिकों ने, किशोर किशोरियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने उस सरकार को चुनौती दी जिनका पूरी दुनिया के अंदर सूरज नहीं डूबता था, इतने देशों में उनका राज्य था। यहां उनको संघर्ष, यहां उनको चुनौती मिल रही थी, यहां एकदम सबने स्वीकार कर लिया कि हम गुलाम हो गए हैं, ऐसा नहीं, ये बाहर से आए हैं, इनको भगाना है, ये फिरंगी हैं, विधर्मी हैं, इनको भगाना है। लेकिन कैसे भागेंगे, 2 घंटे के सत्याग्रह से, 2 दिन के सत्याग्रह से, चरखे से, अहिंसा से, अंग्रेजों की चापलूसी करके, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई संस्था कांग्रेस के माध्यम से देश को आजादी मिलेगी। अरे भाई, इससे बड़ा मजाक तो कोई और हो नहीं सकता। नेहरू और गांधी ने देश को आजादी दी, इससे भी बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। कांग्रेस, गांधी, नेहरू की जब हम बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना थे, जो शरीके सफर ही ना थे। ये सब लोग जाने अनजाने में अंग्रेजों की, उनकी प्लानिंग, उनकी योजनाओं को हष्ट पुष्ट कर रहे थे, फीड कर रहे थे, सहायक थे। ऐसे हजारों उदाहरण हैं भाई। कभी कभी मैं कुछ उदाहरणों को लेके आपके सामने आता हूं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मेरा मुख्य लक्ष्य है उन क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को जिन्होंने देश के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की गुलामी के जंजीरे काटने के लिए खुद कट जाना स्वीकार कर लिया, फांसी के तख्तों पर झूल गए, काला पानी जैसी घोर नार किए, सजाएं भुगतते हुए 90% लोग, 90% लोग वहीं मर खप गए, कहीं नाम नहीं। और काला पानी की सजा तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते आप, कितनी भयानक थी, कितनी घिनौनी थी। कितने लोगों ने जेल की लंबी यातनाएं सहन करते करते, उसको मुकाबला करते करते वहीं दम तोड़ गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, गांव के गांव जला दिए गए, असहाय निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बरसाई गई। उनको ये सिद्ध करना था 1857 के बाद कि हम लोग इतना डर क्रिएट करें कि कोई हिम्मत ना करे, कोई बोले तो उसकी जुबान काट दे, कोई हिले तो सिर चुमा बंद कर दे, कोई उठाए सर तो कलम कर दे। उनको अपना काम करना था, लेकिन भारत माँ की गोद में ऐसे देशभक्त पुत्र पुत्रियां, नायक नायिकाएं, क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं, सब लोग हर आयु वर्ग के, समय समय पर उनको देश विदेश में भारतीय लोग उनको बराबर चुनौती देते रहे। ऐसे ही चुनौती देने वाले लोगों में एक लंबी श्रृंखला मैंने आपके सामने रखी है, 542 वीडियोस आप तक पहुंचाई है। अज्ञात 1%, अल्प ज्ञात, और शेष जितने लोग मैंने आपको दिए हैं पूर्ण रूप से अज्ञात, जिन्होंने भारत माँ के स्वतंत्रता रूपी नाहित यज्ञ में अपने आपको आहूत कर दिया, सर्वस्व निशावर कर दिया, और उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं। आइए ऐसी ही लंबी श्रृंखला जो मैंने आपके सामने पेश की है, और अभी बहुत बड़ी श्रृंखला पंक्ति आपके सामने लाने जा रहा हूं, उसी पंक्ति में खड़े होने जा रहे हैं आज 4 महान आत्माएं, महान क्रांतिकारी, श्री उजागर सिंह, श्री प्रताप सिंह, श्री उदय किरात
और श्री कैला किरार। आइए ये चार भारत माँ के सपूत किस तरह की चुनौती दे रहे हैं उस सशक्त सरकार को, तोप और गोलियों का किस सहायता से यहाँ के क्रांतिकारियों को उड़ाने वाली सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आइए देखते हैं ये चार लोग, श्री उजागर सिंह, श्री प्रताप सिंह, श्री उदय किरार और श्री कैला किरार। हाँ, अमृतसर के एक कॉलेज के विद्यार्थियों में चर्चा हुई, चिंतन हुआ और शक हुआ। क्या शक हुआ कि उस कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय है वो पुलिस से मिलकर कहीं गद्दारी कर रहे हैं और उन्हीं के सुझाव पर, उन्हीं की सलाह पर, उन्हीं के इशारे पर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। अमृतसर के कॉलेज के विद्यार्थियों में ये चिंतन, ये शंका उत्पन्न हो गई। हो क्या रहा था, आए दिन लगभग दूसरे तीसरे दिन कॉलेज के किसी न किसी विद्यार्थी को गिरफ्तार कर लिया जाता। इस संदेह की जब पुष्टि हो गई कि हाँ यही वो प्राचार्य है जो अंग्रेजों का पिट्टू है, गद्दार है, भारत माँ के नव युवकों को, जो कॉलेज में पढ़ने वालों की क्या एज रहती है भाई, उनको ये अंग्रेजों के हवाले कर रहा है, तो इन विद्यार्थियों ने निर्णय कर लिया कि इस प्रिंसिपल को, प्राचार्य महोदय को दंडित किया जाए। प्रताप सिंह नाम के विद्यार्थी ने इस काम के लिए बीड़ा उठा लिया, संकल्प ले लिया, शपथ ले ली। रात्रि के समय कॉलेज में एक सेलिब्रेशन हो रही थी, उत्सव हो रहा था, कोई कार्यक्रम चला हुआ था, बड़ा चहल पहल थी, ये सब चला हुआ था। और अब रात्रि का समय है, कॉलेज में सेलिब्रेशन चल रही है, उत्सव चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। अपनी जेब में बम डाल के रख के प्रिंसिपल की कुर्सी के पास जाने वाला कौन था, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने ही फैसला भी किया था, बीड़ा भी उठाया था, बम जेब में डाल के और चला गया, प्रिंसिपल की कुर्सी के पास खड़ा हो गया। उसी का एक साथी उजागर सिंह, उसकी क्या ड्यूटी थी, वो बिजली का स्विच बंद करने के लिए नियुक्त था। यो ही बिजली बंद हुई योजना के अनुसार, प्रताप सिंह ने अपनी जेब से बम निकाला और उसका पिन खींचा और उस प्रिंसिपल फेंकने के लिए, प्रिंसिपल पर फेंकने के लिए तैयार हो गया। उसने बम फेंकने में कुछ विलंब कर दिया, हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो बम हाथ में ही फट गया प्रताप सिंह के। बम का विस्फोट जब हो गया तो उजागर सिंह, जो उसका साथी जिसने बिजली के स्विच को ऑफ किया था, बिजली बंद की थी, उसने ये समझा हाँ बम प्रिंसिपल पर फेंक दिया है और वो प्रताप भी दाएं बाएं हो गया होगा। इसके बाद जब वो स्विच, उसने कहा कि अब मैं बिजली ऑन कर देता हूं, रोशनी कर देता हूं, उसने बिजली स्विच जैसे ऑन किया तो विस्फोट के बाद जब बिजली पुनः चालू की गई, पंडाल प्रकाशित हो गया, लोगों ने देखा प्रताप सिंह के आसपास खून की नदी बह रही है, एक खून का तालाब सा बन गया है, बम हाथ में ही फट गया था, वो विलंब होने के कारण बम हाथ में ही फट गया था।
उचित वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था जब बिजली दोबारा से आई, रोशनी आई। थोड़ी देर के बाद ही उसकी जान भी चली गई, हमेशा की नींद सो गया, आखिरी सांस भी वो इतने ही थोड़े से क्षण में ले चुका था। उजागर सिंह को बिजली के स्विच के पास जब देखा लोगों ने और पुलिस ने, तो पुलिस ने उजागर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हत्या का षड्यंत्र का मुकदमा उस पर चलाया गया। एक गद्दार प्रिंसिपल को दंड देने के प्रयत्न में प्रताप सिंह ने तो अपनी जान दे ही दी, जिसके हाथ में बम विस्फोट हुआ था, उसके साथ ही उजागर सिंह को भी 29 जुलाई 1930 को फांसी पर झुला दिया गया। अंग्रेजों को फांसी पर झुला देने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, अब उसने तो नहीं गोली चलाई थी, पर तो भी उस हत्या में तुम भी शामिल हो, अगर हत्या हो जाती तो प्रिंसिपल मर जाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर श्री उजागर सिंह और श्री प्रताप सिंह किस प्रकार से इस देश की आजादी के लिए, ऐसे ही कितने लोग मैं आपके सामने ला चुका हूं भाई, ऐसे हुतात्माएं, मौन तपस्वी, वीर क्रांतिकारी, वीर वीरांगनाएं कितनी मैं आपके सामने ला चुका हूं, अभी बहुत लाने जा रहा हूं, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं, जिनके कारण वास्तव में जिनके कारण हमको आजादी मिली उनका नाम नहीं। और नाम किन का आया, चलो उनको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी दूसरे दो नाम उदय, श्री उदय किरार और श्री कैला किरार। पुलिस सरगर्मी से उस आदमी की तलाश में थी जिसने सरकारी रिकॉर्ड में आग लगा दी थी और जिसने विद्रोही युवकों का एक संगठन भी खड़ा कर लिया था, जो ब्रिटिश शासन के लिए चुनौती बन गया था। उस युवक का नाम था उदय किरार। उदय एक ग्रामीण युवक था जिसके घर पर कृषि का कार्य होता था। उसका जन्म 1907 में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के नाहिया नामक गांव में हुआ था। पढ़ा लिखा और राष्ट्रीय चेतना से, विचारों से भरपूर, हमेशा ही देश की आजादी की बातें करता, चिंतन करता उदय किरार राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत, भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए हमेशा तत्पर, कुछ भी करने के लिए, ऐसा ये उदय किरार। ये जब चिंता हो गई थी, पता लग गया था, पुलिस को भी कुछ पता चल रहा था कि ये उदय किरार भाई बड़ा छुपा रुस्तम है, तो काफी आंख मिचोली के बाद वो आते थे, ये पकड़ा नहीं जाता था। पुलिस ने उदय किरार को उसके गांव में घेरा। कैसे? उसके गांव में पुलिस ने डेरा डाल दिया। पुलिस दल गांव में पूरी तरह से, उन्होंने एक तरह का गांव ही घेर लिया। उस गांव की चौपाल पर ऐसा एक पिकट सी बना ली, डेरा सा बना लिया और कुछ साथियों को पूरे गांव के अंदर खड़ा कर दिया। उदय किरार जहां से निकलेगा उसको दबोच लिया जाए। गांव की चौपाल पर यह सीन बना दिया गया एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। आप सोचिए जरा इस नौजवान की यश कीर्ति उस मामले में कितनी हुई होगी कि इतना बड़ा पुलिस का दल इतनी बड़ी तैयारी के साथ आ गया। एक जासूस को भेजकर के उदय किरार घर पे ही है, जरा पता कर लो। ये सन 1942 का अगस्त का महीना था, नाग पंचमी का उस दिन उत्सव चल रहा था।
सब लोग घर पर ही एकत्रित हुए थे। उदय के अतिरिक्त, उदय करार के अतिरिक्त घर पर उसकी पत्नी फुलसीबाई, पिता श्री कैला किरार और भाई रामदास भी थे। दोपहर का समय, भोजन की तैयारी हो चुकी है, पुष्पवर्ग के सामने थालियां सजा दी गई हैं, लगा दी गई। इसी समय बाहर के बरामदे में कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। उदय किरार की पत्नी फुलसी भाई ने झांक कर देखा तो उसने बरामदे में पुलिस को पाया। इसी बीच पुलिस ने बड़े भद्दे शब्दों में, बहुत भद्दे शब्दों में ललकारा और बोला, उदय को बाहर निकालो, उदय बाहर आ जाओ। हाँ, उदय ने इससे के पहले कि वो बाहर आते, इससे पहले भोजन चूंकि प्रारंभ हो गया था और इसने खाना शुरू कर दिया था। उदय ने खाना शुरू कर दिया तो इसने कहा, भाई आकर के खड़ा हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, भोजन कर लो, फिर जहाँ भी है पटेल, हमारे जो यहाँ की पटेल चौक है वहाँ पर चलो, वहाँ पर। तो ठीक है, मैं वहाँ आ जाता हूँ भाई, रुको, साथ चलता हूँ। पर ये वो सहन नहीं कर पाए, इतना भी ये विनम्र प्रस्ताव भी वो सहन नहीं कर पाए कि उसको खाना खाते खाते ही गोली दाग दी गई। वो भोजन करते करते बाहर आया था और इतने ही कहा कि भाई मैं भोजन करके आपके साथ चलता हूं, लेकिन उस प्रस्ताव के बदले में क्या मिली, गोली और दो गोलियां शरीर में समा गई। वे बरामदे में वही लुढ़क गया। हाँ, अब स्थिति ये थी, स्थिति जानने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, इसके पिता, उदय के पिता श्री कैला किरार बाहर आए तो तड़पते हुए अपने पुत्र के शरीर पर लेट गए। अभी कहीं सांस बचा था, वो तड़प रहा था, गोलियां लग चुकी थी, खून बह चुका था। पुलिस ने उसके पिता को भी, उसके पिता को भी गोलियों की बरसात उस पर कर दी। पिता जिसका कोई काम नहीं, तो उसका दोष इतना ही है कि वो क्रांतिकारी का पिता है। पिता और पुत्र दोनों ही देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गए। उजागर सिंह, प्रताप सिंह, उनके कारनामे देखिए। उदय किरार और उनके पिताजी का तो केवल इतना ही था कि कोई भी पिता अपने बेटे को तड़पता देखकर और पुलिस को देखकर और गोलियां लगी देख करके आकर के वो लिपट गया और उसके शरीर पर लेट गया। और उसने वैसे ही एक बात कही कि भाई अब मैं जी के क्या करूंगा, मुझे भी गोली मार दो। अब ये तो हर बाप वैसे भी कहता ही है। तो उन दुष्टों ने, लो फिर आप भी इसके साथ ही जाओ, उसको उस पर दो गोलियां बरसाई थी, इस पर अनेक गोलियां बरसा दी। ऐसे सब बलिदान होने वाले नायक नायिकाओं की एक लंबी पंक्ति, एक लंबा इतिहास, देश विदेश में काम करने वाले छोटी आयु में इस संसार से मुक्त होकर चले जाने वाले और जल्दी आएंगे और भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए फिर काम करेंगे, इस संकल्प के साथ जाने वाले, इतना लंबा इतिहास इन बलिदान करने होने वाले युवक युवतियों का, बाल बालिकाओं का, किशोर किशोरियों का, हर आयु वर्ग के क्रांति वीरों का,
उनको सशस्त्र चुनौती देना कोई मामूली बात थी, और उसी के कारण वो गए। कई बार मैं बता चुका हूं, क्विट इंडिया मूवमेंट 12 दिन में फ्लॉप हो गई थी, खत्म हो गई थी। उन दोनों क्या परिस्थितियां बनी थी और क्रांतिकारियों का क्या रोल था? एकमात्र रोल अगर था, भूमिका अगर थी, तो इन लोगों की थी। कई बार मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूं। लेकिन लेकिन गांधी तो टूल किट थे अंग्रेजों की नहर तक पहुंचने के लिए, पर उस दुष्ट नेहरू ने, उस पापी नेहरू ने जिसने 100 पाप कांग्रेस में रह के कांग्रेस की आजादी से पहले कांग्रेस में किए थे, कांग्रेस ने किए थे, ऐसे ही स्वतंत्र भारत का पहला पाप तो डिवीजन को स्वीकार करके लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल देना, वो तो था ही था। एक पाप वो और कर रहा था, नेहरू अंग्रेजों के साथ समझौता कर रहा था, रिटर्न एग्रीमेंट कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस जब पकड़ा जाएगा, जिंदा या मुर्दा हम आपके हवाले कर देंगे, उस भारत माँ के सपूत वीर क्रांतिकारी सारी दुनिया के अंदर देशभक्ति के डंके की गूंज थी जिसकी, और जिसने विलक्षण कार्य किया था, उसका सौदा कर रहा था ये आपका नेहरू। चलिए, इनसे हिसाब किताब होता रहेगा। अब इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने लाऊं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।